मैं ये कहूँगी कि हर राजनीतिक दल को, हर नेता को सिर्फ जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं तमाम हैं, बहुत परेशान है जनता। खासतौर से आप देख रहे हैं कितने नौजवान हैं, इस मीटिंग में भी थे सब। भैया ज़रा मुझे बोलने देंगे आप दोनों? और बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, तो इन चीज़ों की बात होनी चाहिए। किसानों के इतनी समस्याएँ हैं। आपने एक बात और कही मंच से कि धर्म के आधार पर बांट रही है पार्टियाँ, किस तरीके से आप इसका, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? मैं जनता से ही कह रही हूँ कि आप इतने दशकों से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं, इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ राजनीतिक दलों का और नेताओं का फ़ायदा हुआ। वही सत्ता में रहते हैं, वह जान गए हैं कि 5 साल बाद आएंगे, आपसे धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, काम करने की क्या ज़रूरत है? फिर कोई काम के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है। जब उनको फ्री पास मिल गया है धर्म और जाति का, तो फिर वो संघर्ष क्यों करेंगे जनता के साथ? काम क्यों करेंगे? महंगाई क्यों कम करेंगे? बेरोजगारी क्यों कम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही मैं समझाती हूँ लोगों को। राजीव जी ने भी जब रायबरेली में रहते थे तो जनता अमेठी में सवाल पूछती थी जी। आपको लगता है मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत है? हिम्मत होनी चाहिए। मोदी जी को बनाया जनता ने, खुद थोड़ी बने, जनता ने बनाया है। उनकी सत्ता थोड़ी है, जनता की सत्ता है, ये लोकतंत्र है, तो हिम्मत तो होनी चाहिए। कल चंदौली में आए थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को छूट दी थी कांग्रेस ने, जिसका परिणाम था कि देश के अंदर कई घटनाएं होती थी, अब नहीं हो रही है। अच्छा, तो आपका सवाल क्या है? ये तो उन्होंने कहा है, आपका मेरे से सवाल क्या है? अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद जियों को छूट दी थी कांग्रेस ने। हाँ, तो आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं? ये तो उनका स्टेटमेंट है, रिएक्शन है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा रिएक्शन है कि जो छुट्टे जानवर का आतंक है खेतों पे, उसको बंद करने के लिए क्या किया अमित शाह जी और उनकी सरकार ने? जो महंगाई का आतंक है उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया है उन्होंने? जो बेरोजगारी है हर जगह, जो किसान मर रहा है, परेशान है, कर्ज से डूब रहा है, उसको बंद करने के लिए क्या किया है? ये मेरा जवाब है। दीदी, 20 करोड़ की डकैती हो गई और लोगों की FIR तक नहीं लिखी गई बैंक। वो मैं आपसे अलग से बात करूंगी, आपको मैंने बताया। दीदी, ये 6 चरण का चुनाव हो गया है तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, 400 सीटों में बहुत समय बाद लड़ रही है, और मुझे बहुत गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, सब प्रत्याशियों पर, क्योंकि एकदम जम कर लड़े हैं। पोस्ट पोल अलायंस की क्या संभावना है? अब वो तो पोस्ट पोल देखा जाएगा, अभी उसके बारे में बात करने की। यूक्रेन का मामला एक चल रहा है, उसको जो सरकार कर रही है उस पर क्या रिएक्शन, कितना संतुष्ट है, आप क्या कहना है?
देखिए, सरकार को ठीक तरह से योजना बनानी चाहिए थी अगर ये शुरू हो रहा था और जानकारियां आ रही थी। अब जो भी है, हम सब एक हैं, देश एक है। इन बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए और जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं, पूरा पूरी तरह से प्रयास होना चाहिए उनको निकालने के लिए। पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी की सीटें मिल जाएंगी, तो ये थी कांग्रेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।